नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ले आया हूं ये लेनोवा का लैपटॉप। इस लैपटॉप की आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। इससे पहले भी मैं आपके लिए एक लेनोवा का डोज बेस लैपटॉप लेकर आया था और ये लैपटॉप भी डोज बेस लैपटॉप है, आपको लेनोवा का देखने को मिल रहा है। इस लैपटॉप के जो प्राइस है लगभग वो 32-34 हज़ार की MRP रेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस लैपटॉप की आज हम अनबॉक्सिंग करके आपको बताने वाले हैं। इसका अगर मॉडल नंबर आप देखें तो 8277 लेनोवा V15 है। तो V15 ADA है ये लैपटॉप। तो ये लगभग 40 सेमी का ये लैपटॉप है दोस्तों। तो इस लैपटॉप की आज हम अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाले दोस्तों। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ से इसको ऐसे निकालना होगा और इसके बाद में हम इस लैपटॉप को यहाँ से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो लैपटॉप है वो अनबॉक्स हो चुका है और आज इस लैपटॉप का जो ये चार्जर है ये आपको देखने को मिल रहा है। चार्जर के अगर वोल्टेज की बात करी जाए दोस्तों, तो इसके अंदर आपको जो वोल्टेज देखने को मिलेंगे इस चार्जर के अंदर वो रहेंगे 20 वोल्ट। 20 वोल्ट के हिसाब से ये चार्जर आपको देखने को मिलेगा। 1.7 एम्पियर का ये चार्जर है दोस्तों। तो इस चार्जर को आप उपयोग कर सकते हैं इसको चार्ज करने में। साथ ही बात करी जाए इस बॉक्स की, तो इसके अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसका एक ये यूज़र मैनुअल आपको देखने को मिलेगा V14 एंड V15 का, जो लेनोवा का लैपटॉप है। तो इस लैपटॉप का आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर डाल देते हैं और साथ ही इसको भी एक तरफ रख देते हैं इधर, और इस चार्जर को भी एक तरफ रख देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इस लैपटॉप की सबसे पहले आपको इसको इस रैप को यहाँ से ऐसे निकालना होगा और यहाँ पर आपको इसका जो ये एक और आपको वारंटी कार्ड देखने को मिलेगा, सेफ्टी एंड यूजर मैनुअल। इसका आपको जरूर पढ़ना चाहिए अगर आपको यूज करना नहीं आता है तो। चलिए हटा लेते हैं, इसका कोई काम का नहीं है। इसको यहाँ से निकाल देते हैं दोस्तों और हमारा जो ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप की अब हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है हमारा जो लैपटॉप है, इधर से जो ये सारे इनको एक तरफ रख देते हैं और जो मेन कंपोनेंट हमारे सामने आता है वो हमारा मेन लैपटॉप है। फिनिशिंग बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो काफ़ी स्लिम फिनिशिंग है इसकी, काफ़ी शानदार है। और दोस्तों यहाँ पर आपको इसको एयर कूलिंग के लिए देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको इसका सिंगिंग के लिए माउस वो देखने को मिलेगा, आपको सिंगिंग के लिए यहाँ पर साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो ये लैपटॉप के जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इसके मॉडल कोड भी आपको देखने को मिल रहे हैं, 8C7 लेनोवा V15। चलिए सबसे पहले इस लैपटॉप को हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा लैपटॉप ऑन हो चुका है। इसके अंदर ये रैप आया है, इसको एक तरफ रख देते हैं। यहाँ पर ये लेनोवा आपको देखने को मिल रहा है। ये लैपटॉप जो कि लेनोवा का है और ये है AMD प्रोसेसर पर, AMD राइजन पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए चालू लैपटॉप है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो ये लैपटॉप का आप उपयोग करेंगे, साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर विंडोज 10 का सपोर्ट्स आपको देखने को मिल रहा है। तो लेनोवा की विंडोज 10 आपको यहां से ऑन हो चुकी है। इससे पहले मैं आपको डोज बेस लैपटॉप लेकर आया था आपके लिए, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें। तो चलिए इस लैपटॉप की जो आपको स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो इस लैपटॉप के अंदर आपको जो जो मटेरियल देखने को मिलेंगे, कितनी रैम रोम वो सभी मैं आपको दिखाने वाला हूं इस लैपटॉप को। तो अनबॉक्सिंग हो चुकी है, लैपटॉप हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले इस लैपटॉप की हम वो देख लेते हैं क्वालिटी की, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। अगर आपको साइड में बात करी जाए तो यहाँ पर आपको चार्जिंग स्लॉट्स देखने को मिलता है। इसके बाद में यहाँ आपको HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ आपको USB पोर्ट देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको जो नॉर्मल USB पोर्ट है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। इधर की बात करी जाए दोस्तों, इधर आपको जो बड़ा वाला कार्ड रीडर होता है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक देखने को मिलता है इस लैपटॉप के अंदर। लैपटॉप की जो वेट की बात करी जाए दोस्तों, तो इस लैपटॉप के अंदर आपको वेट काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। ज़्यादा वेट इस लैपटॉप के अंदर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और बात करी जाए दोस्तों इस लैपटॉप की, यहां पर इसकी स्पेसिफिकेशंस की, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो इसकी रैम रोम और उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर आपको जो रैम एंड इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों इससे पहले जब मैं आपके लिए लैपटॉप लेकर आया था वो डोज बेस पर था दोस्तों, फुल ऑन। तो ये लैपटॉप डोज बेस पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये विंडोज 10 का सपोर्ट इस लैपटॉप के अंदर आपको देखने को मिलता है। इस लैपटॉप के अंदर आपको जो स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती है वो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर चलकर सिस्टम पर। तो इस लैपटॉप के अंदर आपको देखिए दोस्तों, ये सिस्टम पर चले गया हूं मैं और यहां पर आपको बताने वाला हूं इस लैपटॉप के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है।
तो दोस्तों ये लैपटॉप के अंदर आपको 4GB रैम देखने को मिलती है इसके अंदर, और 64 बिट्स में आपको ये देखने को मिलती है विंडोज 10। और दोस्तों ये विंडोज 10 प्रो का सपोर्ट आपको इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही बात करी जाए इस लैपटॉप की जो वो है इंटरनल स्टोरेज, तो इसके अंदर आपको 1TB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है जो काफी शानदार है। लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी आपको काफी शानदार देखने को मिल रही है, और वैसे भी अगर आप लैपटॉप यूजर्स हैं तो आपको इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। तो चलिए ये लैपटॉप की जो अनबॉक्सिंग थी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बात करी जाए इस लैपटॉप की फिनिशिंग एंड बिल्ड क्वालिटी की, इज द वेरी गुड एंड लैपटॉप भी बढ़िया है दोस्तों। अगर आप इस लैपटॉप को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो मेरी गुजारिश है कि दोस्तों आपको ये लैपटॉप जरूर लेना चाहिए। और किसी भी प्रकार की क्यूरी के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से प्रेम पूर्वक हार्दिक अभिनंदन। अगर आपको इस लैपटॉप को बाय करना है तो बाय कर सकते हैं, काफी स्लिम एंड बिल्ड क्वालिटी इज द वेरी गुड। थैंक यू। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।